Guys, I hope you all are doing great. मैं हूं तने और जैसा कि आप सब जानते हैं मुझे बारबेक्यूज बहुत ही ज्यादा पसंद है और इतना मन होता है कि बाहर जाओ रेस्टोरेंट्स में खाना खाओ गर्मा गर्म एंड एंजॉय करो अपने मील. हम रेस्टोरेंट नहीं जा सकते लेकिन रेस्टोरेंट घर पे जरूर आ सकता है. By which I mean कि फूड डिलीवरी हम घर पे मंगा सकते हैं. तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ बारबेक्यू नेशन का वन ऑफ द बेस्ट बारबेक्यू इन अ बॉक्स. हियर इट इज आवर बारबेक्यू इन अ बॉक्स. और यहाँ पे हमारा है बिल. बिल को मैं थोड़ा सा निकाल के साइड में कर देता हूँ और ये कितने का है ये वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा. आज के बाद मेरे सारे वीडियोस के एंडिंग में आपको मेरे जितने भी रेस्टोरेंट रिव्यूज़ है फूड डिलीवरी रिव्यूज़ है सबके रेटिंग मिलेंगे आउट ऑफ 5. तो ये वीडियो एंड तक देखिए इस बॉक्स के रेटिंग जानने के लिए. शुरू करते हैं हमारे बारबेक्यू इन अ बॉक्स की अनबॉक्सिंग. तो ये थी हमारी बारबेक्यू इन अ बॉक्स की अनबॉक्सिंग एंड आई एम ऑलरेडी सो एक्साइटेड. इतना सारा खाना आई एम ऑलरेडी. स्टार्ट करते हैं एक एक की अनबॉक्सिंग. यहाँ पे है मेरी नाइफ. एक एक को ओपन करते हैं. तो यहाँ पे ये साइड पे है सारे हमारे ग्रिल्स बेसिकली तंदूर आइटम. तो एक एक को ओपन करते हैं देखते हैं अंदर क्या क्या है. तो ये फर्स्ट डब्बे में यहाँ पे है चिकन विंग्स और गार्लिक चिकन. जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही सुपर्ब लग रही है. खाएंगे इसको थोड़ी देर में. पहले सबकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे. सेकेंड बॉक्स में यहाँ पे है वेज फिंगर्स और उसके साथ है वेज गलौटी कबाब. इसकी भी फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी लग रही है. हमारे थर्ड बॉक्स में यहाँ पे है चिली गार्लिक प्रॉन्स और उसी के साथ है हरियाली फिश. यहाँ पे है हमारे सारे डेजर्ट्स. डेजर्ट्स में यहाँ पे है ब्राउनी, उसके बाद है यहाँ पे गुलाब जामुन और यहाँ पे है हलवा. उसी के साथ हमको यहाँ पे चटनियाँ भी दी गई है. तो मुझे लगा चटनियाँ शायद नहीं आएंगी. यहाँ पे मिंट चटनी और आई थिंक दिस इज द बारबेक्यू सॉस बारबेक्यू चटनी. ये चटनियाँ भी यहाँ पे दी गई हैं. एंड द बेस्ट पार्ट इज सारे बॉक्सेस के ऊपर ये ग्रीन और रेड स्टिकर्स टेप मारे हुए हैं जिससे पता चलता है इसके अंदर नॉन वेज है इसके अंदर वेज है. अब इन करीज को भी ओपन करके देखते हैं कि क्या क्या है. करीज में स्टार्ट करते हैं. तो करीज में यहाँ पे दो करीज हैं. चिकन की है, ये है दम का मुर्ग. मैं आपको टर्न करके नहीं निकाल सकता हूँ तो गिर जाएगा. और उसी के बाद यहाँ पे है लाल मांस. तो बेसिकली ये मटन है. ओह देखिए इसे क्या दिख रहा है, वाओ. और वेज में हमारे पास यहाँ पे है दाल मखनी. कितनी बढ़िया दिख रही है ये, वाओ. और यहाँ पे है उसी के साथ में हमारे पराठे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है चिकन बिरयानी. वाओ क्या फ्रेग्रेंस है, बहुत फ्लेवरफुल होने वाली है. ऑलरेडी ये सबको ओपन करके अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है. जल्दी से प्लेट लेके आते हैं, प्लेट में लगाते हैं सबको और खाना स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बारबेक्यू इन अ बॉक्स और शुरुआत करते हैं वेज स्टार्टर से. तो यहाँ पे फर्स्ट मेरे पास है वेज गलौटी कबाब और इसको डिप करता हूँ मिंट चटनी में और यहाँ पे आपको खा के बताता हूँ. खट्टा मीठा चटपटा काफ़ी मिक्स टाइप का फ्लेवर्स है, बहुत सारे फ्लेवर्स हैं. इसके बाद खाते हैं हमारी वेजी फिंगर्स. यहाँ पे है बाहर से फ्राइड है, थोड़ा क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है, सॉगी है. ओके माइल्ड फ्लेवर्स है. इसके बाद बढ़ते हैं हमारे कबाब्स की तरफ. यहाँ पे है हमारे पास मस्टर्ड गार्लिक चिकन. इसको खा के आपको बताता हूँ. वाओ बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है. और यहाँ पे हमारे पास है क्रिस्पी चिकन विंग्स. अब इसको खा के बताता हूँ आपको. KFC स्टाइल जैसा बनाया हुआ है ये, बढ़िया लग रहा है खाने में, मज़ा आ रहा है.
उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हरियाली फिश टिक्का, इसको खाता हूँ बताता हूँ आपको। फिश इज जस्ट टू ऑसम, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और ये बोनलेस फिश है, मज़ा आ गया खा के। और नॉनवेज में लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है यहाँ पे चिली गार्लिक प्रॉन्स, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। सारा खाना मैं घर पे खा रहा हूँ लेकिन टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट वाला ही आ रहा है, ऑब्वियसली रेस्टोरेंट से बन के है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन कोर्स की तरफ, यहाँ पे है हमारा पराठा, तो मैं पराठा को तोड़ता हूँ और स्टार्ट करते हैं दाल मखनी वेज से। यहाँ पे लेते हैं दाल मखनी, एकदम माइल्ड फ्लेवर, घर पे जैसा बनता है उस टाइप का, ये माइल्ड फ्लेवर वाला दाल मखनी है। इसके बाद बढ़ते हैं सालन की तरफ, ये है मिर्ची सालन। तो मैंने थोड़ा सा सालन रोटी के साथ खाया जस्ट टेस्ट करने के लिए, और सालन का टेस्ट क्या बढ़िया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको मैं बिरयानी के साथ भी बाद में खा के ट्राई करता हूँ। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे दम के मुर्ग की तरफ, और यहाँ पे मुझे मिला है लेग पीस, तो खाते हैं लेग पीस को। टेंडर जूसी, और जो ग्रेवी है वाह वाह वाह। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है लाल मांस जो कि है मटन, इसको टेस्ट करके बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है ये। बहुत ही बढ़िया प्रिपेयर किया गया है मटन को भी, थोड़ा सा स्पाइसी है, जिन लोगों को स्पाइसी पसंद आता है उनको डेफिनेटली ये बहुत पसंद आएगा। इसके बाद खाते हैं हमारी फेवरेट चिकन बिरयानी, यहाँ पे चिकन बिरयानी पहले ऐसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसी लग रही है। वाओ, कम्प्लीटली फुल ऑफ फ्लेवर्स, और ग्रीन चटनी के साथ और भी अच्छा लग रहा है ये। ट्राई करता हूँ इसको सालन के साथ। वाओ, द फ्लेवर इज टू गुड, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है बिरयानी सालन और ये मिंट चटनी का। या तो आप मिंट चटनी के साथ खा सकते हैं या तो सालन के साथ खा सकते हैं, और आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। फाइनली हम आते हैं हमारे डेजर्ट की तरफ, और डेजर्ट्स में जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्राउनी, ब्राउनी का एक बाइट लेता हूँ मैं यहाँ पे। ओके है, एज यूजुअल जैसी रहती है। इंडियन डेजर्ट जिनको पसंद है उनके लिए यहाँ पे है अंगूरी गुलाब जामुन, उसको टेस्ट करेंगे, जो स्वीटनेस है काफ़ी अच्छी बैलेंस की हुई है, मज़ा आ रहा है खाने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे हमारे पास मूंग दाल का हलवा, बहुत ही बढ़िया वेल प्रिपेयर्ड मूंग दाल का हलवा। ओवरऑल दिस इज अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। रेस्टोरेंट को मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है घर पे रेस्टोरेंट आके, इतना मज़ा आ रहा है सब कुछ खाने में। सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपेयर की गई हैं, और डेजर्ट्स तो मुझे मज़ा ही आ गया खा के। अगर प्राइस की बात करें तो ये जो बारबेक्यू इन अ बॉक्स आता है इसकी जो प्राइस है वो 900 रुपीज़ है, बेसिकली 899। इतने प्राइस में इतना सब कुछ मिल रहा है, इट इज़ डेफिनेटली नाइस। मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली एंजॉय किया ये पूरे स्प्रेड को, एंड इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इफ़ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी एट योर होम, या आप कभी बाहर जाने का मन नहीं कर रहा है, घर पर ही आपको खाना है, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जस्ट फॉर 899 रुपीज़। रेटिंग की बात करूं तो मैं ये एक्सपीरियंस को रेट करूंगा 3.5 out of 5 stars। इट वॉज अ वेरी गुड मील, बट ऑब्वियसली घर पे खाना आता है तो क्वांटिटी का थोड़ा सा लिमिटेशंस हो जाता है, और कुछ स्पेसिफिकली और खाना है तो वो नहीं खा सकते, बट लुकिंग एट द ओवरऑल थिंग इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई एम श्योर गाइज मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बारबेक्यू इन अ बॉक्स को अपने घर पे मंगा के एंजॉय कर सके एंड पार्टी कर सके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। मोर सच अमेजिंग वीडियोस कमिंग अप सून, सी यू सून गाइज।